हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ यू क्लासेस। देखिए, आज आपका थर्ड लेक्चर है ये कन्फ्यूजन वर्ड्स का। फर्स्ट वर्ड है आज का पैलेट है। पैलेट होता है रूफ ऑफ द माउथ। आपसे है ना वन वर्ड पूछ सकता है, रूफ ऑफ द माउथ। हिंदी में बोलते हैं तालू। सेंस ऑफ टेस्ट कह लीजिए, जिसे है ना टेस्ट सेंस करते हैं। सेंस ऑफ टेस्ट, जिसे टेस्ट को सेंस किया जाता है, उसे बोलते हैं पैलेट। तालू होता है। पीजीटी एचटेट में क्वेश्चन आता पहले, ये रूफ ऑफ द माउथ कह लीजिए या सेंस ऑफ टेस्ट कह लीजिए। सेंस ऑफ टेस्ट जैसे है ना स्वाद चखते हैं, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये उसे बोलते हैं पैलेट। पैलेट की स्पेलिंग क्या रहेगी? PALATE। क्लियर है? आगे देखिए, सेकंड वर्ड है जो, सेकंड वर्ड भी पैलेट है। PALETE लिखिए। ए कलर मिक्सिंग बोर्ड। जैसे है ना कोई भी आर्टिस्ट होता है, जैसे कोई भी है ना चित्रकार होता है आर्टिस्ट, उसके पास है ना एक बर्तन होता है कलर को मिक्स करने का, उसे बोलते हैं पैलेट। स्पेलिंग क्या रहेगी? PALETE, ए कलर मिक्सिंग बोर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। या कह लीजिए एन आर्टिस्ट मिक्सिंग बोर्ड। कोई भी है ना आर्टिस्ट है, उसका मिक्सिंग बोर्ड है ये। जैसे आपने फिल्म देखी होगी, ठीक है ना, मन फिल्म है, उसमें आमिर खान है। आमिर खान भी एक चित्रकार है, अच्छा एक पेंटर है, जो उसके पास है ना एक बॉक्स होता है रंग को, जो कलर को मिक्सअप करने का, उसे बोलते हैं पैलेट। पैलेट की स्पेलिंग क्या रहेगी? PALETE। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, एक कलर मिक्सिंग बोर्ड, बोर्ड कह लीजिए या बॉक्स कह लीजिए, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। या कह लीजिए एन आर्टिस्ट बोर्ड कह लीजिए। तीसरा वर्ड है पैलेट। तीनों ही वर्ड पैलेट हैं स्टूडेंट्स। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पैलेट है जो, ये होता है लिखिए, ए स्मॉल सब्सटेंस ऑफ समथिंग। सब्सटेंस ऑफ समथिंग, कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज है उसका छोटा सब्सटेंस कह लीजिए। जैसे है ना आटा होता है अपने पास, आटे की हम क्या बनाते हैं? गोलियां बनाते हैं। जैसे है ना आटा होता है, आटे की हम क्या बनाते हैं? गोल गोल गोलियां बनाते हैं। जैसे बच्चों की गोलियां आती हैं, जैसे है ना मीठी गोली, ठीक है ना, टॉफी वगैरह कह लीजिए, पहले मीठी गोली बोलते थे उनको। ये होता है वर्ड पैलेट, PELETE। आपसे क्वेश्चन पूछता है ए स्मॉल सब्सटेंस ऑफ समथिंग, क्या आंसर आएगा? PELETE। क्लियर है? पैलेट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ए कलर मिक्सिंग बोर्ड, या कह लीजिए एन आर्टिस्ट मिक्सिंग बोर्ड, उसे बोलोगे PALETE। अगर पूछता है रूफ ऑफ द माउथ, जो है ना माउथ की रूफ होती है, जैसे ये है तालू है, इसे बोलते हैं पैलेट। पैलेट की स्पेलिंग क्या रहेगी? PALATE। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में, क्लियर है? आज का सेकंड वर्ड देखिए क्या है। सेकंड जो वर्ड है क्या है देखिए, पैडल है। ये पैडल वो है, नाउन है। जैसे है ना ये बोलते हैं पैडल मार फटाफट में, साइकिल का पैडल है, ये पैडल है, नाउन है पैडल। ये नहीं बोलते हैं पैडल फटाफट मार में, ठीक है ना, बस निकल जाएगी, साइकिल का पैडल, ये पैडल वो है। सेकंड वाला पैडल है जो, ये वर्ब है। डियर स्टूडेंट्स, आपको है ना हर वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, हर वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पहले वाला पैडल है ना साइकिल का पैडल जैसे, वो नाउन है। दूसरे वाला पैडल है, इट मीन्स लिखिए क्या होता है, फेरी लगाना। फेरी लगाना कह लीजिए, जैसे है ना कोई फेरी वाला है, अपना सामान बेचता है वो घूम घूम के, उसे बोलते हैं पैडल, पैडलर बोलते हैं उसको, सॉरी। ये वर्ड है पैडल, इट मीन्स घूम घूम के सामान बेचना। जैसे फेरी वाले आते हैं, आपने देखे भी होंगे, उसे बोलते हैं पैडलर। प्लस टू क्लास में एक लेसन भी इंग्लिश में, द रेड ट्रैप, चूहेदानी वाला, उसमें भी है ना पैडलर है जो गली गली जाकर क्या बेचता है, चूहेदानियाँ बेचता है। रेड ट्रैप बोलते हैं चूहेदानी को। रेट मीन्स चूहा, ट्रैप मीन्स जाल कह लीजिए, चूहे का जाल कह लीजिए। क्लियर है? ये जो पैडल है ना, इट मीन्स घूम घूम के सामान बेचना। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्सनल है, ये पर्सनल है ना, एडजेक्टिव है, ये नहीं बोलते हैं ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप इसमें इंटरफेयर ना करें, आप इसमें इंटरप्ट ना करें, दखल अंदाजी मत करें। ये जो वर्ड है पर्सनल, ये प्राइवेट होता है, इट मीन्स निजी, ये मेरा प्राइवेट मैटर है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, डोंट इंटरफेयर। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखिए, डियर स्टूडेंट्स, यही वर्ड पूछता है एग्जाम में, बार बार रिपीट करता है, जो क्या वर्ड है बोलिए, पर्सनल, पर्सनल वर्ड है, इट मीन्स स्टाफ होता है, स्टाफ कह लीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है पर्सनल, PERSONNEL, स्पेलिंग भी पूछ लेता है इस वर्ड की, PERSONNEL नहीं आएगा, EL आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? ये जो है ना पर्सनल है, इट मीन्स स्टाफ होता है। एग्जाम में देखिए आपके क्वेश्चन कैसे आएगा, ओरली बोल रहा हूं मैं, द ट्रेन वाज कैरिंग द आर्मी डैश डैश को कंप्लीट कीजिए, सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। द ट्रेन वाज कैरिंग, ट्रेन ले जा रही थी, आर्मी किसको बोलिए, आर्मी स्टाफ को, आर्मी स्टाफ के लिए कौन सा वर्ड आएगा बोलिए, पर्सनल वर्ड आएगा। क्लियर है? पर्सनल की स्पेलिंग क्या रहेगी, PERSONNEL। डियर स्टूडेंट्स, बार बार बोलता हूँ मैं, आपकी स्पेलिंग, आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर वर्ड आपकी अच्छी हो, हर चीज़ पे आपकी कमांड हो। क्लियर है सभी को? पहले वाला पर्सनल है जो, इट मीन्स प्राइवेट कह लीजिए, निजी कह लीजिए। सेकंड जो पर्सनल है, इट मीन्स स्टाफ होता है। द ट्रेन वाज कैरिंग, सेंटेंस नोट कर लीजिए, द ट्रेन वाज कैरिंग द आर्मी पर्सनल, ठीक है ना, नीचे वाला पर्सनल आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रिस्क्राइब, ये क्वेश्चन आपने, ये वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा है, प्रिस्क्राइब। जैसे आप जाते हो डॉक्टर के पास, जाते हो, डॉक्टर ने आपको दवा दी, दवा की बोतल दी, बोतल के ऊपर लिखा होता है प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, यानी कि जो दवा है ना उसकी डोज लीजिए, किसके अनुसार लीजिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार। क्लियर है? जो फर्स्ट वर्ड है प्रिस्क्राइब, इट मीन्स ना के सलाह अनुसार, सलाह कह लीजिए, एडवाइस कह लीजिए। पहले वाला प्रिस्क्राइब है, इट मीन्स सलाह कह लीजिए, जैसे है ना प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रिस्क्राइब वर्ड है जो, इट मीन्स कह लीजिए टू रिकोमेंड, टू रिकोमेंड, RECOMMEND। क्लियर है स्टूडेंट्स? जो वर्ड है ना प्रिस्क्राइब है, इट मीन्स टू रिकोमेंड, ठीक है ना, मेडिसिन लीजिए, कैसे लीजिए, प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, प्रिस्क्राइब्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोस्क्राइब, इट मीन्स है ना इलीगल होता है, टू प्रूव टू बी लीगल, इलीगल होता है गैर कानूनी, गैर कानूनी करार देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों ही वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। पहला वर्ड है प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब का होता है के सलाह अनुसार, की सलाह अनुसार कह लीजिए। सेकंड वर्ड है जो, क्या वर्ड है बोलिए, प्रोस्क्राइब, इट मीन्स कह लीजिए, ठीक है ना, टू प्रूव टू बी इलीगल, गैर कानूनी करार देना, या कह लीजिए इट मीन्स ये भी है, प्रोबिट कह लीजिए, प्रोबिट, PROHIBIT, या बैन कह लीजिए, जैसे बैन लगाते हैं, बैन नहीं लगाते हैं किसी चीज पे, BAN, बैन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये। और ये है ना स्पेशली बाई लॉ, ये जो बैन लगाया जाएगा ना किसके द्वारा लगाया जाएगा, लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा। ये जो वर्ड है ना प्रोस्क्राइब है, ये स्पेशली किसके लिए है, लॉ के लिए है, कानून के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रोसीड है, प्रोसीड क्या होता है बोलिए, टू कंटिन्यू, प्रोसीड होता है टू कंटिन्यू, जैसे है ना प्रोसीड से नाउन क्या बनेगा, प्रोसीजर। एच स्टेट में, एच एस एस सी में क्वेश्चन पूछता आपसे, जो प्रोसीड वर्ब है, प्रोसीड है ना क्रिया है, इसे नाउन बनाइए, क्या बनाओगे, प्रोसीजर बनाओगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रोसीजर की स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, आप है ना प्रोसीजर की स्पेलिंग रोंग करते हैं, देखिए कैसे, ये रहेगी प्रोसीजर, PROCEDURE, लेकिन है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की जुबान पे होती स्पेलिंग PROCI, आई नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा, ई आएगा। क्लियर है? पहले वाला प्रोसीड है, टू कंटिन्यू, इट मीन्स है ना प्रोसीड करना, आगे बढ़ना, जारी रखना कह लीजिए, कंटिन्यू कह लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, प्रीसीड, प्रीसीड मीन्स से पहले आना, जो पहला वर्ड है ना प्री, प्री मीन्स पहले कह लीजिए, जो वर्ड है प्री, इट मीन्स पहले, टू कम बिफोर, टू कम बिफोर,
कम मीन्स आना, बिफोर मीन्स पहले, पहले आना। जैसे है ना स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए कई बार है ना टीचर स्टूडेंट से पहले क्लासरूम में एंट्री करता है, इट मीन्स प्रीसीड, से पहले आना। क्लियर है? टू कम बिफोर। अगर पूछता है प्रोसीड, इट मीन्स टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू कह लीजिए, कैरी ऑन कह लीजिए, कैरी ऑन कंटिन्यू होता है, कैरी ऑन। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है। डी एस स्टूडेंट्स, ये भी आपसे क्वेश्चन करता है एस टेट में, डी एस एस बी में, के वी एस में। जो परे वर्ड है, परे है ना, इट मीन्स प्रार्थना करना होता है, परे प्रार्थना करना, इट इज ए वर्ब, वर्ब है ये, ना कि नाउन है स्टूडेंट्स। परे मीन्स है ना प्रार्थना करना होता है। कोई आपसे बोलता है परे से नाउन बनाइए, परे से नाउन बनाइए, तो बड़ा ईजी रहेगा, प्रेयर रहेगा, प्रेयर। ये नहीं बोलते हैं चलिए प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए। प्रे मीन्स प्रार्थना करना, और प्रेयर क्या होती है, प्रार्थना होती है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट वर्ड देखिए परे। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन भी है, वर्ब भी है। ये जो परे है ना, नीचे वाला परे है, पी आर ई वाई, इट मीन्स शिकार भी है, शिकार नाउन है। क्लियर है ना? शिकार नाउन है और शिकार करना भी है। ये जो वर्ड है ना परे है, इट मीन्स शिकार करना, या कह लीजिए टू हंट। जैसे है ना कोई हंटर होता है, वो हंटिंग के लिए निकलता है, टू हंट शिकार करना, इट इज ए वर्ब आल्सो, इट इज ए नाउन आल्सो। डियर स्टूडेंट्स, एस्टेट में टीचिंग लाइन में क्वेश्चन पूछता है इस तरह के, दो वर्ड आपके पास परे, पी आर ए वाई, पी आर ए, पी आर ई वाई, इनमें से एक वर्ड नाउन भी है, वर्ब भी है, कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ड है, वो पी आर ई वाई है वो। क्लियर है? ये जो परे है ये ओनली ए वर्ब, ये जो परे है इट इज ए नाउन आल्सो, इट इज ए वर्ब आल्सो, इट इज शिकार, शिकार करना। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रिंसिपल। जैसे है ना स्कूल में प्रिंसिपल होता है, ये नहीं बोलते हैं प्रिंसिपल कौन है, आपके स्कूल का प्रिंसिपल का नेम क्या है। ये जो प्रिंसिपल है ये इंचार्ज होता है स्कूल का। क्लियर है सभी को? प्रिंसिपल होता है प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य। डियर स्टूडेंट्स, इट इज ए नाउन। लेकिन है ना जो सेकंड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन ही बहुत बार पूछता है, सेकंड क्वेश्चन है ना एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, क्या वर्ड है बोलिए, प्रिंसिपल, क्या स्पेलिंग है। पहले वाला प्रिंसिपल है पी ए एल, सेकंड वाला प्रिंसिपल है पी एल ई। ये होता है सिद्धांत कह लीजिए, सिद्धांत। जैसे है ना एक वर्ड है डॉक्ट्राइन, बहुत ही अच्छा वर्ड रहेगा स्टूडेंट्स इसके लिए। ये जो वर्ड है ना डॉक्ट्राइन वर्ड है, सिद्धांत होता है। एक वर्ड देखिए एसएससी सीजीएल में वर्ड आता है स्टूडेंट्स, टेनेट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है सिनोनिम्स में, एंटोनियम्स में। टेनेट, टेनेट क्या होता है, सिद्धांत होता है, सिद्धांत। क्लियर है? एक वर्ड देखिए इसके लिए डोगमा वर्ड है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी वोकैब अच्छी हो, एक वर्ड के आपको है ना 20 वर्ड, 18 वर्ड, 10 वर्ड, जो भी आपको कितने भी, जितने भी आप है ना कर सको, पॉसिबल आपके लिए, आप करते रहें, क्या वर्ड है बोलिए। ये जो प्रिंसिपल है ना, इट मीन्स ये होता है, डॉक्ट्राइन कह लीजिए, टेनेट कह लीजिए, डोगमा कह लीजिए, सारे ही वर्ड एग्जाम में दस्तक दे चुके हैं, क्या वर्ड है बोलिए, क्रीड वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है क्रीड, सी आर डब्ल्यू ई डी। क्लियर है सभी को? जो है ना पहले वाला प्रिंसिपल है वो है प्रधानाचार्य, और जो नीचे वाला प्रिंसिपल है क्या होता है, वो सिद्धांत होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मिस्टर नरेंद्र मोदी इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, जो है ना मिस्टर नरेंद्र मोदी है वो एक सिद्धांतिक व्यक्ति है, कौन सा प्रिंसिपल्स आएगा स्टूडेंट्स, कमेंट करें, कौन सा प्रिंसिपल्स आएगा, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल आएगा, इसके ऐसे लगा दो प्रिंसिपल्स। क्लियर है ना? मिस्टर नरेंद्र मोदी इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, कौन सा प्रिंसिपल्स आएगा, वो थोड़ा आएगा प्रधानाचार्य वाला, सैद्धांतिक व्यक्ति है वो। क्लियर है? अगला वर्ड देखिए क्या है। आप वो कैब है ना, आपकी फिंगर टिप्स पे होगी स्टूडेंट्स, वो कैब से आप डरे मत। देखिए राइज है, राइज मीन्स टू गेट अप। ये नहीं बोलते हैं आप कितने बजे उठते हो सुबह, कितने बजे उठते हो, राइज टू गेट अप। क्लियर है ना? राइज है जो, इट मीन्स टू गेट अप, उठना कह लीजिए। राइज का मीनिंग ये भी है, टू प्रोग्रेस, टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना। क्लियर है? जो राइज है इट मीन्स टू गेट अप, उठना कह लीजिए, और जो राइज है यही स्पेलिंग है राइज की, इट मीन्स टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना, प्रगति करना कह लीजिए।
डियर स्टूडेंट्स, सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, देखिए क्या है। डैश यूअर हैंड्स, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, डैश यूअर हैंड्स, रेज यूअर हैंड्स, हाथ खड़े कीजिए भाई। जिसको ना क्वेश्चन का आंसर पता है प्लीज क्या कीजिए, रेज यूअर हैंड्स, राइज यूअर हैंड्स नहीं आएगा, रेज यूअर हैंड्स। क्लियर है सभी को? इट मीन्स है ना, उठाना कह लीजिए, हाथ उठाइए, रेज यूअर हैंड्स, ये रेज है उठाना। क्लियर है सभी को? उठना और उठाना में दिन रात का अंतर है। वो तो था गेटअप, उठना कह लीजिए, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। लेकिन ये है रेज यूअर हैंड्स, अपने हाथ खड़े कीजिए भी, हाथ उठाइए। क्लियर है सभी को? डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है ना पीछे HSSC SI के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। देखिए क्या है, रेज है, RAZE, रेज करना, इट मीन्स ध्वस्त करना, डिस्ट्रॉय करना। क्लियर है? डिस्ट्रॉय कह लीजिए, रेज होता है RAZE, इट मीन्स डिस्ट्रॉय करना। एक वर्ड देखिए इसके लिए, एनीलेट वर्ड है, एनीलेट। डियर स्टूडेंट्स, HSSC में ये वर्ड आता सिनोनिम्स में, एनीलेट का सेम वर्ड क्या आएगा, एनीलेट की स्पेलिंग क्या है। पहली बात तो है ना, एनीलेट की स्पेलिंग क्या है, ANNIHILATE। एनीलेट वर्ब है, नाउन बनाइए एनीलेशन, एनीलेट से है ना नाउन बनेगा एनीलेशन। क्लियर है सभी को? एनीलेट का मीनिंग है टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय कह लीजिए, रेज कह लीजिए, ध्वस्त करना। बहुत सारे वर्ड है इसके लिए, रैक वर्ड है इसके लिए, WREC के रैक, डिमोलिश वर्ड है इसके लिए, डिमोलिश आपने पता ही होगा वर्ड, ये वर्ड आपको पता ही होगा, डिस्ट्रॉय है, डिमोलिश है, रैक है, रेज RAZE, ध्वस्त कर देना। जैसे है ना RDX है, RDX से है ना बहुत सारा जो सामान था, गुड्स थी, ठीक है ना, उनको ध्वस्त कर दिया गया, ध्वस्त करना कह लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जो है ना थर्ड वर्ड है रेज, RAZE, रेज। जैसे है ना कोई टाइगर है, 10th क्लास में पोइम पढ़ी आपने, एनिमल्स की पोइम है, उसमें है ना टाइगर है, द टाइगर वाज इन रेज, इन द केज, केज मीन्स पिंजरा। जो है ना टाइगर था किस में था बोलिए, पिंजरे में था, वो क्या था बोलिए, गुस्से में था, रेज मीन्स गुस्सा, इट इज ए नाउन, गुस्सा है ना संज्ञा होती है, इट इज ए नाउन। रेज इट मीन्स एंगर कह लीजिए, ये वर्ड तो आपको पता ही है, एंगर वर्ड है, जो इस रेज के लिए वर्ड है ये एंगर। क्लियर है? एक वर्ड है फ्यूरी, फ्यूरी वर्ड है इसके लिए, गुस्सा कह लीजिए, गुस्सा, एंगर कह लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा वर्ड है रेज, RAZE। अगर आपसे क्वेश्चन करता है गुस्से के लिए रेज कौन सा आएगा, RAZE। अगर आपसे क्वेश्चन करता है डिमोलिश करने के लिए, एनिलेट करने के लिए कौन सा रेज आएगा, RAZE, ध्वस्त कर देना। क्लियर है? नष्ट कर देना कह लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन करता है रेज योर हैंड्स, हाथ खड़े कीजिए, हाथ उठाइए, रेज आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन करता है उठने के लिए राइज आएगा, RISE। इट मीन्स टू प्रोग्रेस, आल्सो प्रोग्रेस करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखिए नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो है ना लास्ट ईयर HSSC में सेम आ था, एज इट इज क्वेश्चन। क्या वर्ड है बोलिए, राउट है, RUT, राउट। इट मीन्स है ना टू डिफीट, किसी को हरा देना, टू डिफीट कंप्लीटली, पूर्णतः है ना किसी को हरा देना, RUT, राउट, इट मीन्स हरा देना। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड के बीच और इंडिया के बीच क्रिकेट का मैच है, इंडिया ने किसको बोलिए, इंग्लैंड को क्या कर दिया, राउट कर दिया, RUT, इट मीन्स है ना डिफीट कर दिया, पूरी तरह से हरा दिया उसको, मात दी उसको। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है रूट, RUTE। ये नहीं बोलते हैं कौन सा रूट है, आपके पापा हैं रोडवेज में हैं, ड्राइवर हैं, ये नहीं बोलते हैं कि आपका रूट कौन सा है, जिन टू अम्बाला है, क्या है बोलिए, जिन टू हिसार है, ये रूट है रास्ते वाला। क्लियर है सभी को? ये जो रूट है ना, इट मीन्स पैसेज कह लीजिए, रास्ता कह लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए रूट, ये रूट वो है, ये नहीं बोलते हैं ये तो झगड़े की जड़ है, कारण है, ये रूट है जड़ वाला। क्लियर है सभी को? ये जो नीचे वाला रूट है जड़ के लिए आएगा, जड़, ये जो रूट है रास्ते के लिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, बार बार बोलता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, RUTE होता है टू डिफीट, किसी को हरा देना। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, स्टोरी है, ये नहीं बोलते हैं
आओ सुनाऊं, क्या सुनाऊं, कहानी सुनाऊं। ये स्टोरी है कहानी वाला। ये जो स्टोरी है ना, ये कहानी होती है, कोई ना कोई इवेंट होती है, कोई ना कोई घटना होती है, कोई स्टोरी होती है कहानी वाला। क्लियर है सभी को? डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वैसे भी अच्छा रहेगा। ये जो स्टोरी है ना, इसका पजल फॉर्म क्या बनेगी? स्टोरीज बनेगा। ये जो स्टोरी है ना, इसका पजल फॉर्म ये बनेगा, स्टोरीज। क्लियर है? नीचे वाला स्टोरी है डियर स्टूडेंट्स, नीचे वाला जो स्टोरी है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बहुत बार। ये स्टोरी है फ्लोर के लिए। क्लियर है सभी को? ये स्टोरी है मंजिल के लिए। ये नहीं बोलते हैं इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं। ये जो बिल्डिंग है, दो मंजिल है, तीन मंजिल है, चार मंजिल इमारत है, बिल्डिंग है ये। क्लियर है ना? ये स्टोरी है। क्या स्पेलिंग है? STORY। दिन रात का अंतर है, वो तो है STORY, ये है STORY। मंजिल होती है ये, मंजिल कह लीजिए, फ्लोर कह लीजिए आप इसको। एक और देखिए स्टूडेंट्स, इसका है ना पजल फॉर्म क्या बनेगी? एग्जाम में एस्टेट में क्वेश्चन आता लास्ट ईयर। ये स्टोरी है जो नीचे वाला स्टोरी है, जो मंजिल के लिए, फर्श के लिए, इसकी पजल फॉर्म ये बनेगी। इसमें वाई एज इट इज रहेगा, इसमें वाई है ना एज इट इज रहेगा, वाई को नहीं काटोगे। लेकिन ऊपर वाला स्टोरी है कहानी वाला, उसमें है ना वाई को आप रिमूव करके क्या लगाओगे? IES। ये क्वेश्चन इस व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? आगे चलिए। सूट है, ये जो सूट है ना, इट मीन्स है ना, जैसे कोर्ट में केस होता है, कोर्ट में है ना केस होता है, उसे बोलते हैं सूट। लिखिए, एक्शन इन ए लॉ कोर्ट, एक्शन इन ए लॉ कोर्ट, जैसे है ना कोर्ट में केस होता है, उसे बोलते हैं सूट, SUIT। डियर स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन है? इसको आप केस भी बोल सकते हैं, केस कह लीजिए, केस। लेकिन एक वर्ड है पीछे एग्जाम में आता, देखिए, लिटिगेशन, बहुत अच्छा वर्ड है लिटिगेशन। ये नहीं बोलते हैं उसके खिलाफ लिटिगेशन है, उसके खिलाफ केस है, कोर्ट में केस है उसके खिलाफ। डियर स्टूडेंट्स, पहले वाला सूट है जो SUIT, इट मीन्स है ना एक्शन इन लॉ कोर्ट, केस कह लीजिए, मुकदमा कह लीजिए आप इसको हिंदी में, मुकदमा। क्लियर है ना? ये सूट है, ये सूट, बहुत सारे वर्ड हैं सूट के। ये सूट वो भी है, सूटेबल वाला। ये नहीं बोलते हैं मुझे यहाँ का एटमोसफियर सूट नहीं कर रहा। जैसे आप चले गए कहीं, आप किसी फोन कंट्री चले गए, फोन कंट्री का जो एटमोसफियर है आपको सूट नहीं कर रहा, यही सूट आएगा, सूट करना। क्लियर है? अनुकूल होना कह लीजिए, यही मीनिंग रहेगा इसका, यही स्पेलिंग रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, बीच वाला क्वेश्चन है ना, सूट है ये सेट होता है, सेट। जैसे है ना होटल में, जैसे ताज होटल है मुंबई में, उसमें बहुत सारे रूम्स हैं, रूम्स का जो सेट है, कमरों का सेट है, उसे बोलते हैं सूट। क्लियर है सभी को? नोट कर लीजिए, ए सूट ऑफ रूम्स। आपसे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, ए डैश ऑफ रूम्स। जैसे है ना कमरे हैं, कमरों का सेट है जो सूट है, कौन सा सूट आएगा? SUITE। डियर स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन है? देखिए, ए सूट ऑफ रूम्स, जो है ना रूम्स हैं, कमरों का सेट है, उसके लिए सूट कौन सा आएगा? SUITE। क्लियर है? पहले वाला सूट कौन सा है? कानून के लिए, सॉरी कानून के लिए नहीं, सॉरी केस के लिए, मुकदमे के लिए। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसका, सूट है SOOT। क्या क्वेश्चन है? देखिए, इसको है ना कालिख बोलते हैं, कालिख, जैसे काजल डालते हैं आंखों में, ये वो है। देखिए SOOT क्वेश्चन पूछेगा आपसे वन वर्ड में, ए ब्लैक सब्सटेंस इन स्मोक, वन वर्ड पूछेगा आपसे, ए ब्लैक सब्सटेंस इन स्मोक, ये सूट आएगा SOOT। डियर स्टूडेंट्स, आपको हिंदी बताओ, काजल होता है, कालिख होती है, कालिख जो आंखों में डालते हैं काजल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, SOOT, सूट। लेकिन आप बोलोगे सर एक सूट हो रहा है, देखिए ये सूट वो है, सूट करना किसी को, गोली मारना किसी को, ये सूट वो है, सूट करना SOOT, SHOT, ये अलग है सूट। क्लियर है? अगर आपसे पूछता है ए ब्लैक सब्सटेंस, तो क्या आएगा? SOOT। सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। केस वाला सूट कौन सा है? SUIT। कमरों का सेट कौन सा है? SUITE। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप अपने आप को तैयार रखें। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, स्टैचू है, आइडल कह लीजिए, मूर्ति होती है स्टैचू, स्टैचू है ना, इमेज होती है, इमेज। जैसे है ना लिबर्टी ऑफ स्टैचू है, मूर्ति कह लीजिए, प्रतिमा कह लीजिए आप इसको। देख,
डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो वर्ड है यही पूछता है एग्जाम में, STATUTE, ठीक है ना। नीचे वाला जो वर्ड है इट मीन्स है ना रिटन लॉ, लिखित कानून होता है, लिखित कानून। ये वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का, है ना। सेकंड वर्ड है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले वाला वर्ड तो स्टैचू सबको पता है, लिबर्टी ऑफ स्टैचू, स्टैचू मूर्तिमा, मूर्ति कह लीजिए, प्रतिमा कह लीजिए, इमेज कह लीजिए, आइडल कह लीजिए, IDOL, क्लियर है सभी को। ये होता है लिखित कानून। आगे देखिए स्टेशनरी, पहले वाला जो स्टेशनरी है ना ये बुक डिपो होता है, बुक डिपो, जैसे आप है ना बुक डिपो से पेंसिल, शार्पनर, कॉपी, इरेजर खरीदते हैं, ये स्टेशनरी है, क्लियर है सभी को। जहाँ से आप है ना लिखने का, इरेज करने का सामान लेते हो, स्टेशनरी बोलते हैं उसको। ये नहीं बोलते हैं मुझे आज जाना है किसके पास, स्टेशनरी के पास जाना है, ये स्टेशनरी है। सेकंड वर्ड देखिए स्टेशनरी है, ये एडजेक्टिव है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द सन इज डैश स्टेशनरी, ये भरोगे स्टेशनरी। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, द सन इज स्टेशनरी, STATION ARY, सूर्य क्या है बोलिए, स्थिर है, इट मीन्स है ना कॉन्स्टेंट है वो, स्टेबल है वो, स्टेबिलिटी है उसके अंदर, क्लियर है। ये द सन इज स्टेशनरी, ये स्टेशनरी आएगा स्थिर के लिए, स्थिर के लिए। पहले वाला स्टेशनरी है ये होता है जहां से आप पेंसिल वगैरह, शार्पनर वगैरह खरीदते हैं, क्लियर है। आगे चलिए जल्दी करें, साइट है, साइट होता है सीन, दृश्य कह लीजिए, नजारा कह लीजिए, व्यू कह लीजिए, व्यू, क्लियर है ना। जैसे रानी तालाब की साइट है बहुत सुंदर है, ताजमहल की साइट है बहुत सुंदर है, ये साइट है नजारा, दृश्य कह लीजिए, नजारा कह लीजिए। दूसरा साइट, ये वर्ड पूछता है एग्जाम में बहुत बार, साइट देखिए क्या होता है, ये होता है कंस्ट्रक्शन, ए प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, देखिए ए प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे है ना बड़े बड़े बिल्डिंग बिल्डर होते हैं जो, ठीक है ना, वो जाते हैं, ये नहीं बोलते हैं वो साइट पे गया हुआ है, अभी वो फिलहाल वो साइट पे है, ये साइट आएगा SITE। डियर स्टूडेंट्स बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, दे आर लुकिंग फॉर ए न्यू साइट फॉर ए न्यू स्कूल बिल्डिंग, HTET में क्वेश्चन आता है, दे आर लुकिंग फॉर ए न्यू साइट फॉर ए न्यू स्कूल बिल्डिंग, वो है ना न्यू स्कूल बिल्डिंग के लिए एक नई साइट की खोज कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, ये साइट आएगा SITE, इट मीन्स है ना ए प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्लियर है सभी को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीचे वाला साइट है इट मीन्स उच्चारण करना, उच्चारण करना कह लीजिए, ये जो वर्ड ना साइट है इट मीन्स उच्चारण करना, क्लियर है, साइट है जो उच्चारण करना। देखिए टेम्पर वर्ड है, ये जो वर्ड है टेम्पर, इट मीन्स है ना TEMPER, गुस्सा, एंगर कह लीजिए, गुस्सा, क्लियर है ना, ये टेम्पर है गुस्सा वाला। रेज कह लीजिए, RAGE, अभी वर्ड आता रेज, क्लियर है ना। और जो सेकंड वर्ड है टेम्पर, इट मीन्स है ना दखल देना, टू इंटरप्ट, नोट करते रहे, टू इंटरप्ट, या कह लीजिए इंटरफेयर विद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है गुस्से वाला टेम्पर कौन सा है, टेम्पर, गुस्से वाला टेम्पर, TEMPER। अगर आपसे पूछता है टेम्पर, इट मीन्स है ना इंटरफेयर करना, दखल अंदाजी करना, ये टेम्पर आएगा, टू इंटरफेयर विद, टू इंटरप्ट, क्लियर है सभी को। आगे चलिए वेन, ये वेन है व्यर्थ, फ्यूटाइल वाला, ये जो वेन है व्यर्थ होता है, VAIN, वेन, इट मीन्स व्यर्थ कह लीजिए, फ्यूटाइल कह लीजिए। जैसे है ना लोमड़ ने बार बार प्रयास किए अंगूरों तक पहुंचने के, बट ऑल इन वेन, परंतु है ना सारे बेकार गए, व्यर्थ में गए, क्लियर है। ये वेन वो भी है एरोगेंस वाला, एरोगेंट कह लीजिए। डियर स्टूडेंट्स एक वर्ड के एक से अधिक मीनिंग भी होते हैं, ये जो वेन है ना इट मीन्स व्यर्थ कह लीजिए, फ्यूटाइल कह लीजिए, एफर्टलेस कह लीजिए, ये एरोगेंट है, क्लियर है। घमंडी भी होता है वेन, दुर्योधन था क्या था, बड़ा एरोगेंट था, घमंडी था वो। नीचे वाला वेन है, ये नाड़ी होती है स्टूडेंट्स, नाड़ी होती है वेन, VEIN, जैसे है ना ब्लड जो अपना सर्कुलेशन है वो एक वेन होती है जो अपने हार्ट तक पहुंचाती है, ब्लड के ना सर्कुलेशन को कहां तक, अपने हार्ट तक पहुंचाती है, ये वेन वो है VEIN। ये नहीं बोलते नाड़ी वाला वैद्य है, नाड़िया वैद्य, ये वेन आएगा VEIN। अगर पूछता है बेकार वाला, व्यर्थ वाला, VAIN। अब चलिए जल्दी कीजिए, वाइल है,
VILE, इट मीन्स नीच कह लीजिए, डिसोल्यूट। वाइल है डिसोल्यूट, इमोरल कह लीजिए आप इसको, इमोरल। ये जो वाइल है ना, नीच होता है, नीच कह लीजिए, घटिया कह लीजिए, ये वाइल है। इट मीन्स है ना, ट्रिक होती है, युक्ति कह लीजिए, चाल कह लीजिए, युक्ति। ये जो वाइल है युक्ति के लिए, ठीक है ना, ट्रिक कह लीजिए, चाल कह लीजिए। डी स्टूडेंट देखिए, वैकेशन है, पहला वर्ड है वोकेशन, इट मीन्स ऑक्यूपेशन, व्यवसाय होता है ऑक्यूपेशन। इट मीन्स कह लीजिए प्रोफेशन, प्रोफेशन, क्लियर है। पहला जो वर्ड है ना वाइल है, जो वाइल मीन्स डिसोल्यूट कह लीजिए, वाइल है WILE, इट मीन्स क्या होता है, ट्रिक कह लीजिए। वोकेशन है, क्या होता है वोकेशन बोलिए, ऑक्यूपेशन होता है वोकेशन, ऑक्यूपेशन। अब देखिए वैकेशन हॉलीडेज होती हैं, हॉलीडेज छुट्टियां होती हैं। जो वर्ड है ना वैकेशन है हॉलीडेज के लिए, वैकेशंस नहीं आएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत बार गलती पूछता है, वैकेशंस नहीं आएगा, क्लियर है सभी को, वैकेशन होता है हॉलीडेज। आज के लिए इतना ही भी, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें भी, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लिंक को है ना शेयर करते रहें भी। थैंक यू सो मच।